हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए, हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंड्स वाटर टैंक को किस तरह से और किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से और बिल्कुल डिटेल में। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया और कंप्लीट किया था कि एलिवेटेड सर्कुलर वाटर टैंक को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इंड्स वाटर टैंक की कुछ कंपोनेंट की डिज़ाइन कुछ हद तक, या फिर हम कहें ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिज़ाइन ऑफ एलिवेटेड सर्कुलर वाटर टैंक होती है। इसलिए उस डिज़ाइन को आप एक बार ज़रूर देखें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पर भी जाके उस वीडियो को, उस डिज़ाइन को देख सकते हो। चलिए बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ इंड्स वाटर टैंक। इंड्स वाटर टैंक की डिज़ाइन के अंदर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंड्स वाटर टैंक को इंड्स वाटर टैंक क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसका मेन कारण ये है कि जो नाम आप देख रहे हो इंड्स, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, पूरा नाम था ओटो इंड्स। इन भाई साहब ने अपना कुछ योगदान इस वाटर टैंक के डिजाइन के अंदर दे रखा है, और वो योगदान था इनके प्रिंसिपल्स। उन प्रिंसिपल को कहा जाता था इंड्स प्रिंसिपल, और क्योंकि हम उन इंड्स प्रिंसिपल को इस टैंक के डिजाइन के अंदर यूज करते हैं, इसलिए इस टैंक को नाम दे दिया गया है इंड्स टैंक। ओके, ये आपको क्लियर हो चुका है कि इंस्टैंक को इंस्टैंक क्यों कहा जाता है। अब देखिए, इंस्टैंक को डिजाइन करना है तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत ही जरूरी चीज है, कि कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आपको डिजाइन करने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप से लेके, तो सबसे पहली चीज होती है टॉप डोम, जो कि हमने सर्कुलर एलिवेटेड वाटर टैंक के अंदर देखा था। टॉप डोम होता है, टॉप रिंग बीम होगा, सर्कुलर साइड वॉल कहो या फिर स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वॉल कहो। ठीक है, नेक्स्ट होगा बॉटम डोम। ओके, जैसा टॉप डोम होता है वैसे ही बॉटम डोम भी होता है, हमें दोनों की डिजाइन करनी पड़ती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास बॉटम रिंग बीम। ओके, बॉटम रिंग बीम भी डिजाइन करनी होगी, उसके बाद कोनिकल डोम की डिजाइन करनी होगी, उसके बाद सर्कुलर रिंग बीम की डिजाइन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे सपोर्ट सिस्टम है, स्टेजिंग, ठीक है, उसे हम कहते हैं, उसके अंदर कॉलम हो गए, ब्रेसेस हो गए, फाउंडेशन वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हमें डिजाइन करनी होती है। अगर हमें एक थ्रू आउट द स्ट्रक्चर जो वाटर टैंक का होता है, इंड्स वाटर टैंक का, अगर हमें डिजाइन करना है तो कौन कौन से कंपोनेंट डिजाइन करने होते हैं, ये आपको यहां पर पहले क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये आपको पता चल गए, लेकिन इन कंपोनेंट्स को किस तरह से और किस लिए डिज़ाइन करना होता है, इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल ले रखा है। वो ये है कि फिक्स द बेसिक डायमेंशंस ऑफ एलिवेटेड इंड्स वाटर टैंक टू स्टोर 6 लाख लीटर वाटर। आपको एक एलिवेटेड इंड्स वाटर टैंक के बेसिक डायमेंशन जो होते हैं उसे फिक्स करना है, जिसके जो कैपेसिटी हो वो 6 लाख लीटर की हो। ठीक है, 6 लाख लीटर ऑफ वाटर उसके अंदर स्टोर हो सके, उस तरह से आपको उसके बेसिक डायमेंशन फिक्स करने हैं। आगे कहा गया है, डिजाइन एंड डिटेल ऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, टेक लाइव लोड इज इक्वल टू 1.5 kN/m², यूज M30 कॉन्क्रीट एंड Fe 4/5 स्टील। आपको ये न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है, जो भी बेसिक और रिक्वायर्ड डायमेंशन थे वो आपको नहीं दिए गए हैं, वो आपको पूछे गए हैं, वो आपको कहा गया है कि फिक्स करिए आप अपने हिसाब से, जिसकी कैपेसिटी 6 लाख लीटर होनी चाहिए वाटर की। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली जो है, इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली बेसिक डायमेंशन फिक्स करने हैं। अब किस तरह से फिक्स करने हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ कंसिडरेशंस, कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे। चलिए, किस तरह से करते हैं वो देख लें। सॉल्यूशन के अंदर पहले जो यहां पर आपका काम होगा वो डायमेंशन का होगा। चलिए, अब डायमेंशन की अगर बात करें तो हमें यहां पर सबसे पहले जो डायमीटर होता है टैंक का, ओके, मेन टॉप डायमीटर जो होता है वो हमें यहां पर पहले एज्यूम करना होगा। अब यहां पर आप 10 लीजिए, 12 लीजिए, 14 लीजिए, 16 लीजिए, 15 लीजिए, जो भी आपको डायमीटर लेना है वो आप ले सकते हो, उसके अंदर कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम यहां पर 12 मीटर डायमीटर लेते हैं। ठीक है, ये जो टॉप डायमीटर है ये कितना लेते हैं, 12 मीटर का। डायमीटर ऑफ लोअर रिंग बीम, लोअर रिंग बीम का डायमीटर कितना, लोअर रिंग बीम मतलब ये जो बीम आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं लोअर रिंग बीम। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना, तो ये होता है जनरली 0.6 × D। अब कैपिटल डी 12 है, अगर इसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करें तो 7.2 मीटर आ रहा है, लेकिन अगर आपको 7.2 रखना है तो भी आप रख सकते हो, अगर आपको 7.5 रखना है तो भी आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपको अगर 8 मीटर रखना है तो भी आप रख सकते हो। हम यहां पर 8 मीटर लेते हैं। ठीक है, हम यहां क्या करते हैं, 8 मीटर को मान के आगे बढ़ते हैं। चलिए, राइज ऑफ टॉप डोम, जो टॉप डोम है ये वाला, इसकी राइज कितनी है, तो H1 जनरली होता है 0.2 × diameter। ओके, 0.2 × diameter, तो ये 0.2 × diameter करोगे तो 2.4 आ रहा है। ओके, लेकिन यहां पर हम 2 ले, देखिए ये जो भी वैल्यू है ये अप्रोक्स वैल्यू, ये कंसिडर, ये एज्यूम्ड वैल्यू, ये कोई
रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू नहीं है, कन्फाइंड वैल्यू नहीं है, आप इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो और उस वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीटर ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम राइज ऑफ बॉटम डोम की। तो ये जो बॉटम डोम आप देख रहे हो इसका राइज कितना है, तो इसका अंदर भी इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी 0.2 इंटू डायमीटर होता है, इसका भी 2.4 मीटर ही होगा। यहाँ पर हम 1.5 ले सकते हैं या फिर आप 2 लो तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर 1.5 लेते हैं, दैट इज ओके। चलिए बात करते हैं अब हाइट ऑफ कोनिकल डोम की, कि भाई कोनिकल डोम की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हम जनरली 2 मीटर भी रख सकते हैं, 1.5 मीटर भी रख सकते हैं, 2.5 मीटर भी रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ 2 मीटर रख सकते हैं तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो यहां पर हमने क्या किया कि भाई जो भी टॉप डायमीटर था, बॉटम डोम का डायमीटर था, राइज थी दोनों की वो हमने देख लिया, कॉनिकल डोम की हाइट थी वो हमने देख ली। अब हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसकी हाइट किस तरह से आप कंसिडर करोगे, तो यहां पर आपको एजम्पशन नहीं करना होगा। अगर आप ये सारी चीज एज्यूम कर लोगे तब आपको आइडिया नहीं आएगा कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी का पानी, जो हमने 6 लाख लीटर दे रखा है, वो एक्चुअली यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले के अंदर से हमें क्या करना होता है कि एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 3 तरह के वॉल्यूम मिलेंगे, एक तो ऊपर ये वॉल्यूम, दूसरा ये कॉनिकल डोम का वॉल्यूम, और तीसरा होगा ये जो बॉटम डोम है इसका वॉल्यूम, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये जो बीच का पोर्शन है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से किया जाएगा, तो दिस वॉल्यूम प्लस दिस कॉनिकल वॉल्यूम माइनस दिस बॉटम डोम वॉल्यूम, ओके, यही प्रोसीजर होगी सिंपल इसकी। चलिए तो जो टॉप डोम मतलब या टॉप जो टॉप वॉल्यूम है ये कितना होगा, दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच, ओके, जिसके अंदर एच जो है अभी अननोन है, ये जो एच आप देख रहे हो ये अननोन है, ठीक है। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच। चलिए दूसरा जो कोनिकल डोम है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा पाई बाय 12 इंटू एच जीरो, एच जीरो इज नथिंग बट द हाइट ऑफ कोनिकल डोम, ओके, जो हमने 2 मीटर कंसिडर कर रखी है, एच जीरो इंटू डी स्क्वायर प्लस डी जीरो स्क्वायर प्लस डी इंटू डी जीरो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर देखिए सारी चीजें आपको नोन है, डी जो है वो डायमीटर है हमारी टॉप डोम का, और जो डी जीरो है वो डायमीटर है हमारे पास लोअर रिंग बीम का, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बॉटम डोम का, ये सारी चीज आपको पता है। अब हम बात करते हैं बॉटम डोम, तो बॉटम डोम का वॉल्यूम हमें माइनस करना होगा, वो कितना होगा, तो वो होगा पाई बाय 3 इंटू एच टू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 3 इंटू आर टू माइनस एच टू। अब आर टू क्या है और एच टू क्या है, एच टू इज नथिंग बट द राइज ऑफ बॉटम डोम, ओके, ये क्लियर हो जाएगा। अब आर टू क्या है, सो आर टू इज नथिंग बट दिस आर्क, दिस रेडियस, ठीक है। ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द डोम, ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था। चलिए इसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, तो ये होता है डी बाय स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी डी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एच। इसके अंदर डायमीटर कौन सा होगा, तो काफी सारे बंदे यहां पर मार खा जाते हैं कि भाई डायमीटर जो आप टॉप डोम का ले लेते हो, सो ये टॉप डोम का डायमीटर नहीं है, ये डी जीरो हम कह सकते हैं, या फिर इसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए, तो डी जीरो मतलब ये बॉटम डोम का डायमीटर हो गया, ठीक है, मतलब 8/2 इंटू एच। ये एच क्या है, सो ये एच है हमारे बॉटम डोम की हाइट, सॉरी राइज, बॉटम डोम की राइज, मतलब इसे हम एच टू कह सकते हैं हमारे अकॉर्डिंगली, तो ये एच टू हो गया डिवाइड बाई, ये भी आपको क्या करना है, एच टू ही लेना है, ओके। तो सारी चीजें आपके पास पता है, कौन कौन सी वैल्यू है, कहाँ है, चलिए उन सारी चीजों को यहां पर रखोगे तो आपको आर टू की वैल्यू मिलेगी 6.08 मीटर, ओके, मतलब आर टू यहां पर नोन हो चुका है। अब सारी जब चीजें यहां पर नोन है आपके पास, तो आप इजिली यहां से एच को सब्जेक्ट बनाकर, एच जो है इसे सब्जेक्ट बनाना है और एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम तो आपको पता है, कैपेसिटी जो टैंकी है वो आपको 6 लाख लीटर दे रखी है, अगर इसे हम डिवाइड बाय 1000 करें मीटर क्यूब के लिए, ठीक है, तो ये 600 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 600 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है विच इज इक्वल टू दिस होल इक्वेशन, ओके, तो यहां से आप अगर H को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको H की वैल्यू मिलेगी 4.24 मीटर। अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे भेज से कमेंट करके बता सकते हो। चलिए तो H की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 4.24, हम राउंड अप करके इसे क्या करते हैं, H इज इक्वल टू 5 मीटर यहां पर ले लेते हैं इंक्लूडिंग द फ्री बोर्ड, ओके। चलिए
तो अब यहाँ पर वैसे तो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो राइज होगी टॉप डोम की वो खुद एज अ फ्री बोर्ड यहाँ पर एक्ट करेगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हाइट ले लेते हैं, दैट इज़ एच इज इक्वल टू 5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक जो डायमेंशन जो रिक्वायर्ड थे डिज़ाइन के लिए वो सारे यहाँ पर आपके लिए नोन हो चुके हैं। अब आप आगे एक एक कंपोनेंट की डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए हम पहले कंपोनेंट की डिज़ाइन देखते हैं, डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम, कि भाई टॉप डोम को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को देखा होगा कि सर्कुलर एलिवेटेड वाटर टैंक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टॉप डोम जो होता है उसे हमें दो फोर्सेस के लिए डिजाइन करना होता है। पहला फोर्स होता है मेरिडियनल फोर्स और दूसरा फोर्स होता है हूफ फोर्स। अब मेरिडियनल फोर्स किस तरह से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, मेरिडियनल फोर्स T1 इज इक्वल टू WR डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। W क्या होता है तो उस डोम के ऊपर आने वाला लोड, और R क्या होता है तो R इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट डोम, और थीटा जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं थीटा 1। ओके, हम इसे थीटा 1 कह सकते हैं हमारे इस पूरे कन्फिग्रेशन के हिसाब से, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इसलिए। चलिए तो थीटा 1, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं डब्ल्यू आर और थीटा अभी अननोन है, किस तरह से नोन किया जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर डब्ल्यू की। सो डब्ल्यू इज नथिंग बट द लोड। अब ये लोड कौन कौन सा होता है, एक तो सेल्फ लोड डोम का और दूसरा लाइव लोड। सेल्फ लोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो सेल्फ लोड के अंदर आपको उस डोम की थिकनेस पता होनी चाहिए जो कि हमने अब तक कंसिडर नहीं किए, तो उसको किस तरह से लिया जाता है। तो आपको देखिए इसके अंदर जनरल कंसिडरेशन होता है कि भाई आप 75 mm से लेके 100 mm के बीच तक उसकी थिकनेस को डेप्थ को वेरी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सीधा 100 mm ले लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ थिकनेस की कितनी मान लेते हैं यहाँ पर 100 mm। तो 100 mm थिकनेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो उसका सेल्फ वेट होगा वो कितना होगा, 0.1 × 25। 25 क्या है, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, दैट इज 2.5 kN/m². ये सेल्फ वेट हो चुका है, ओके, पर मीटर। यहाँ पर इंटू 1 करना होगा, लेकिन वो 1 यहाँ पर इतना खास अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते। काफ़ी सारे बंदों का ये डाउट होता है कि आप इस तरह से किस तरह कैसे मतलब सेल्फ वेट निकाल लेते हो, ठीक है, तो सेल्फ वेट हम पर मीटर निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 को हम जनरली डिनोट नहीं करते हैं, नहीं बताते। चलिए अब यहाँ पर लाइव लोड कितना होगा, तो वो हमें सवाल के अंदर दे रखा है भाई 1.5 kN/m², दैट इज 4। अब इसका टोटल करेंगे तो वो कितना होगा, 4 kN/m², मतलब ये टोटल लोड है जो के टॉप डोम के ऊपर एक्ट होगा या फिर टॉप डोम की वजह से एक्ट होगा। चलिए तो टोटल लोड W हमें पता चल गया 4 है। अब हम बात करते हैं R की या फिर R1 की, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसे R1 कहते हैं। जो भी ऊपर वाले जो डिनोटेशन है वो हम इसे R1, थीटा 1, H1 वगैरह हम डिनोट कर दें, ठीक है। चलिए तो R1 किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला वही होगा D/2² + H1² / 2 × H1, ठीक है। यहाँ पे D क्या है, D इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ टॉप डोम, H1 क्या है, राइज ऑफ टॉप डोम, और सारी चीज़ें नोन है यहाँ पर, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रखोगे आप तो R की वैल्यू आपको मिलेगी 10 मीटर। कितनी मिलेगी, 10 मीटर की वैल्यू आपको मिलेगी। चलिए तो 10 मीटर आपको R नोन हो चुका। अब हम बात करते हैं थीटा की, तो थीटा किस तरह से निकाला जाता है। थीटा के लिए आपको एक, ये अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको D/2 / R, मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस मतलब D/2, ओके, डिवाइड बाय कैपिटल। अगर आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में विथ फिगर ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया आपको डिटेल में कि साइन थीटा क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा D/2 / R होगा। D/2 मतलब डायमीटर जो था हमारा 12 था, 12/2 = 6 हो जाएगा हमारा, और R जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 10, तो कुल मिला के साइन थीटा की वैल्यू 0.6 आएगी। अगर हम थीटा देखें तो साइन इनवर्स आपको करना पड़ेगा 0.6, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 36.86 डिग्री। ये आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको इजीली कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.80, ओके, ये आपको कॉस थीटा यहाँ पर मिल चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो भी तीन चीज़ें अननोन थी, डब्ल्यू आर और थीटा, ये सारी चीज़ें नोन हो चुकी है, तो आप T1 या फिर मेरिडियनल फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। मेरिडियनल फोर्स आपका आ रहा है 22.22 kN/m। अब ये मेरिडियनल फोर्स जो आपने फाइंड आउट किया है, तो आप स्टील किसके बेस पर प्रोवाइड करते हो, स्ट्रेस के बेस पर, ठीक है। और स्ट्रेस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया, ये आपको पता होगा, ठीक है। फोर्स मतलब इन सेंस ऑफ यहाँ पर हमारा टेंशन है, दैट इज मेरिडियनल फोर्स। तो ये कितना होगा, 22.22 × 10³ डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या होगा, तो ये एरिया होगा टॉप डोम का, ओके, ये टॉप डोम का एरिया होगा। बी जो है हम 1 मीटर लेते हैं, तो बी का मतलब यहाँ पर 1000 mm हो जाएगा, और डी हमने 100 mm कंसिडर किया था, ओके, तो ये 100 mm यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब मेरीडियनल स्ट्रेस जो है वो कितना हो रहा है 0.22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और आपको यहां पर इसकी मैक्सिमम लिमिट आईएस कोड के अंदर गिवन है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है, दैट इज 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम ये परमिसेबल लिमिट होती है, ये क्या होती है, परमिसेबल लिमिट होती है आईएस कोड के अंदर गिवन है आपको M30 कंक्रीट के लिए कि भाई उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस की लिमिट होती है परमिसेबल लिमिट वो 5 न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर होती है। इससे ज़्यादा अगर हो तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टील प्रोवाइड करना होता है, लेकिन अगर इससे कम हो तब आप मिनिमम स्टील प्रोवाइड करके आगे बढ़ सकते हो, मिनिमम मतलब 0.24%। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में बता रखा है, वही चीज़ें मैं हर एक वीडियो के अंदर दोहराऊं तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि वो सारी चीज़ें आपको पता चले। चलिए, मेरीडियनल स्ट्रेस यहाँ पर 0.22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है और वो 5 से कम है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम प्रोवाइड करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, मिनिमम बाद में प्रोवाइड करेंगे। हम पहले देख लेते हैं हुप फोर्स, हुप फोर्स कितना और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हुप फोर्स इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू WR1 इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये T2 मतलब हुप फोर्स का फॉर्मूला होता है, सारी चीज़ें नोन है, सारी वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर तो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आएगा 9.78 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपके पास हुप फोर्स आया। हुप स्ट्रेस कितना होगा, वो होगा 0.0978 विच इज लेस देन 8। अब ये देखिए 8 क्या है, तो ये 8 आपको IS कोड के अंदर गिवन है कि जो इसकी मैक्सिमम परमिसिबल हुप स्ट्रेस की मैक्सिमम परमिसिबल जो लिमिट होती है वो 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। अगर इससे एक्सीड करती है आपकी स्ट्रेस की वैल्यू तब आपको यहां पर एज पर रिक्वायर्ड आपको स्टील प्रोवाइड करना होता है, लेकिन अगर इससे एक्सीड नहीं कर रही है, इससे कम है वैल्यू, तब आपको यहां पर मिनिमम रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 0.098 विच इज टू मच लेस देन 8, इसका मतलब क्या है, हम यहां पर दोनों के लिए मतलब के मेरीडियनल फोर्स एज वेल एज हुप फोर्स दोनों के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.24% स्टील प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 240 mm square, और उसके अंदर जो भी बार हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डायाबार के 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर। अब ये जो स्टील आप प्रोवाइड करोगे तो मेरीडियनल फोर्स के लिए आपको ये रेडियली प्रोवाइड करने होगी, और अगर हम बात करें हुप फोर्स तो उसके लिए आपको सर्कमफेरेंशियली ये स्टील प्रोवाइड करना होगा। ओके, चलिए, तो ये हमने क्या किया कि जो टॉप डोम था उसकी डिजाइन कंप्लीट कर ली यहां पर। अब जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट होगा डिजाइन करने के लिए वो होगा डिजाइन ऑफ टॉप रिंग बीम। टॉप रिंग बीम को किस तरह से डिजाइन करना है, किस लिए डिजाइन करना है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि टॉप रिंग बीम डिजाइन होता है मेरीडियनल फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से लग रहे टेंशन के ऊपर। ठीक है, मतलब जो मेरिडियनल फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसकी वजह से जो, देखिए आपको मैं ग्राफिकली यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ये वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो है आपका, सॉरी यहां पर ये जो है, ये क्या है T1 है, मतलब ये क्या है आपके पास मेरिडियनल फोर्स है। ओके, ये मेरिडियनल फोर्स है T1, और ये जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीम होगा। ठीक है, यहाँ पर बीम होगा, तो बीम के ऊपर कौन सा फोर्स अफेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स लगेगा, जो टेंशन लगेगा वो कितना होगा, तो देखिए वो हुप टेंशन होगा, वो एज अ हुप क्योंकि सर्कमफेरेंशियली लगेगा। ठीक है, पहले आपको पता करना होगा कि उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो वो कितना होगा, W इज इक्वल टू T1 cos थीटा, कितना होगा वो T1 cos थीटा, और ये वर्टिकल क्या होगा T1 sin थीटा। चलिए T1 cos थीटा कितना होगा, वो होगा 17.77 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, इसकी वजह से जो टेंशन, जो हुप टेंशन उस बीम के अंदर सर्कमफेरेंशियली प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, दैट इज WD/2। ओके, वो होगा 106.62 किलो न्यूटन। ओके, ये टेंशन उस टॉप रिंग बीम के अंदर क्रिएट होगा, जनरेट होगा उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। अब इसके लिए, इस टेंशन के लिए आपको क्या करना होता है, वहां पर स्टील प्रोवाइड करना होता है, तो T/σST उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू σST क्या होगा, 130 होगा। चलिए, अब ये किस तरह से आया, कहां से आया, ये मत पूछिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो की लिंक पे क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले, ये पार्ट 1 के अंदर मैंने समझा रखा है। ठीक है, इस वाटर टैंक के अंदर, चलिए, तो इसका जो हुप टेंशन के अकॉर्डिंग, हुप टेंशन के लिए जो AST आ रही है वो कितना आ रहा है, 820 mm square। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंगली आप 12 mm डायबार प्रोवाइड कर दीजिए 130 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर, तो प्रोवाइडेड AST आपकी कितनी आएगी, 869 mm square। आई बात समझ में यहां तक, चलिए,
तो हमने क्या किया कि भाई टॉप रिंग बीम जो था उसके अंदर टेंशन क्रिएट फाइंड आउट किया, और उस टेंशन फाइंड आउट करने के बाद हमने उस टेंशन के अकॉर्डिंगली वहाँ पर जितना रिक्वायर्ड स्टील था वो प्रोवाइड किया। लेकिन अभी यहाँ पर इसकी डिज़ाइन ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उस बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, ये हमें पता नहीं है। डिज़ाइन के अंदर तो चलिए ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अंदर किस तरह से उसे फाइंड आउट किया जाता है, तो देखिए हमें क्या करना होता है, IS 456-2000 पेज नंबर 80 के ऊपर एक फॉर्मूला गिवन है सिग्मा सीटी का, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है, टेंशन। तो ये आपको पेज नंबर 80 के ऊपर दे रखा है। इस फॉर्मूले का आपको दे रखा है वहां पर टी अपॉन एजी प्लस एम माइनस वन इंटू एएसटी। इसके अंदर टी जो है वो टेंशन होता है उस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर, और एजी मतलब ग्रॉस एरिया होता है उस पर्टिकुलर मेंबर का, ओके, एम मतलब मॉड्यूलर रेशियो जो कि पार्ट वन के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, और एएसटी जो हमने प्रोवाइड किया है वो, ठीक है, और सिग्मा एसटी की वैल्यू, सॉरी सिग्मा सीटी की वैल्यू। तो एम 30 कंक्रीट ग्रेड के लिए सिग्मा सीटी की वैल्यू आपको IS 3370 पार्ट 2 के अंदर दे रखा है कि सिग्मा सीटी फॉर एम 30 ग्रेड शुड नॉट बी एक्सीड 1.5, या फिर हम कह सकते हैं कि सिग्मा सीटी की वैल्यू यहां पर 1.5 दे रखी है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है आपको, अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली यहां पर एजी जो होता है, एजी इज नथिंग बट द बी इंटू डी, ओके, बी इंटू ग्रॉस एरिया होता है, बी इंटू डी, बी या डी दोनों में से एक चीज को यहां पर आप एज्यूम कर लेते हो, हम बी को यहां पर 300 mm एज्यूम कर लेते हैं। चलिए तो बी इंटू डी, अब डी आपको क्या, अब यहां पर देखिए बी हमने एज्यूम कर लिया, डी यहां पर बाकी है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए एम जो होता है वो मॉड्यूलर रेशियो होता है 9.33-1 इंटू एएसटी जो आपने प्रोवाइड किया है वो, ओके, चलिए तो यहां पर क्या हुआ कि अब सिर्फ और सिर्फ डी अननोन बचा है। तो इन सारे इक्वेशंस को, इस सारी चीजों को आप कैलकुलेट करोगे, तो इसके कैलकुलेट करने के बाद आपको डी की वैल्यू एक रिलेशन के अंदर मिलेगी कि भाई डी की जो वैल्यू है वो 212.80 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो है मिनिमम वैल्यू है इसकी, इससे ज्यादा डी की वैल्यू होनी चाहिए, दिस वैल्यू से ज्यादा डी की वैल्यू होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू यहां पर 250 भी ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो, तो हमने क्या किया कि भाई 300 यहां पर कैपिटल डी ले लिया, मतलब डेप्थ जो उसकी है वो हमने यहां पर 300 ले रखा है, और बी हमने ऑलरेडी 300 एज्यूम कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शन इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन या फिर हम कह सकते हैं साइज ऑफ बीम, दैट इज 300 mm by 300 mm। अब काफी सारे बंदों का यहां पर इस कैलकुलेशन के अंदर भी प्रॉब्लम होता है उन्हें कि भाई ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो चीज है किस तरह से की जाती है, तो 1.5 × 300 AD, ठीक है, तो ये 450 हो गया, और आप इसे इस चीज को सॉर्ट आउट कीजिए, इसे सिंप्लीफाई कीजिए कैलकुलेटर के अंदर, और इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो साइज ऑफ बीम आपको पता चल गया कि भाई 300 by 300 हो चुका। अब क्योंकि ये बीम है तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि शीयर को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है एज अ स्टीरअप, ठीक है। आपने देखा होगा कि सर्कुलर रिंग्स जो है वो बीम के अंदर प्रोवाइड की जाती है, वो शीयर को रेजिस्ट करने के लिए की जाती है, ठीक है, शीयर रेनफोर्समेंट हम उसे कह सकते हैं। तो वो कितनी और किस तरह से प्रोवाइड करनी होती है ये अब आप देख लीजिए। हम जनरली इसके अंदर क्या है, बीम के अंदर 8 diameter के 2-leg स्टीरअप हम प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्टीरअप 2-legged प्रोवाइड करते हैं। 2-leg वर्टिकल स्टीरअप क्या होते हैं, ये सारे काफी सारे बंदों का सवाल होता है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका एक स्टीरअप है, ठीक है, तो ये एक लेग हो गया इसका, और ये दूसरा लेग, इसे हम कहते हैं 2-leg वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है, इस तरह से ये वर्टिकल स्टीरअप होते हैं। अब ये प्रोवाइड करने होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिंग के ऊपर, अब वो स्पेसिंग आपको यहां पर डिफाइन करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके लिए भी आपको IS कोड ने कुछ रिकमेंडेशन गिवन है IS 456-2000 के अंदर, उसके लिए आपको यहां पर एक फार्मूला गिवन है पेज नंबर 48 के ऊपर, दैट इज SV इज इक्वल टू 0.87 इनटू FY इनटू ASV डिवाइड बाय 0.4 इनटू B, ओके, ये आपको वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप आपको दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर ASV जो है, ASV क्या होता है, एरिया ऑफ स्टीरअप, ठीक है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। अब ये एरिया किस तरह से निकला जाता है, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर आपको पता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है एक बार का एरिया। अब डी यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पर डायमीटर ले रखा है स्टीरअप का वो डी होगा, ठीक है। और ये 2 क्यों हमने ले रखा है, 2 इज नथिंग बट द 2-leg, ये 2-leg है इसलिए हम 2 कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए तो ये 2 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो ASV जो हो रहा है, मतलब एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप कितना हो रहा है, वो हो रहा है 100 mm square, ओके। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 300 mm,
ओके लेकिन आपको आईएस कोड ने फर्दर दो कंडीशन वहां पे दे रखी है। आईएस कोड ने आपको दो कंडीशन कौन सी दे रखी है, वो है कि भाई ये आपको पेज नंबर 47 के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन वहां पे दे रखी है कि 0.75 इंटू डी होना चाहिए या फिर 300, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो आपको कंसिडर करनी होगी। देखिए इन दोनों में से छोटी वैल्यू एक तो 225 हो रही है और एक 300 mm हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 225 mm लोगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर ये जो है ये इन दोनों में से छोटी वैल्यू, उससे भी छोटी वैल्यू ये आ रही है, मान लीजिए ये 225 mm है मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है दोनों में से, लेकिन यहाँ पर आपके 200 mm ही आ रही है, तो आपको फिर ये इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये 200 mm ही आपको कंसिडर करना होगा। मतलब कुल मिला के आईएस कोड का कहने का मतलब ये है जितना कम हो सके उतनी कम आपको स्पेसिंग रखनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों में से तीनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो आपको एज ए स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। चलिए तो अब आप क्या करोगे कि भाई प्रोवाइड 8 mm डायाबार टू लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप एट 225 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपने क्या किया कि टॉप रिंग बीम को डिजाइन किया है पूरी तरह से, इसके अंदर कोई अब ऐसी चीज बाकी नहीं रही है जिसकी आपको डिजाइन करने की आवश्यकता है जरूरत है, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा उससे पहले बढ़ने से पहले जो भी हमने डिजाइन किया है कि टॉप रिंग बीम और बॉटम सॉरी टॉप डोम और टॉप रिंग बीम, ये जो आपने डिजाइन किया उसकी डिटेलिंग आप देख लीजिए, क्योंकि हमें सवाल के अंदर पूछ रखा है कि डिटेलिंग भी करना उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए डिटेलिंग के अंदर जो भी हमने बार प्रोवाइड किए हैं, जो स्पेसिंग प्रोवाइड की है, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, वो आपके सामने इसके आप वीडियो को यहाँ पॉज करके इत्मीनान से देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजाइन ऑफ सिलिंड्रिकल वॉल, सिलिंड्रिकल वॉल की डिजाइन सिमिलर टू आवर प्रीवियस डिजाइन, मतलब कि जो हमने सर्कुलर वाटर टैंक के अंदर डिजाइन की थी वॉल की, उसी तरह से है। इसके अंदर भी वही कंसेप्ट लागू होगा कि भाई जो भी हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो थ्रू आउट द हाइट हमें सिमिलर या फिर यूनिफॉर्म नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि एक्चुअली उतने रेनफोर्समेंट की पर्टिकुलर हाइट पर जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर हमें पता है कहाँ होता है, बॉटम पर होता है। तो मैक्सिमम प्रेशर बॉटम पर होता है तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हमें बॉटम में प्रोवाइड करने की जरूरत है, लेकिन मिनिमम प्रेशर होता है टॉप के ऊपर, तो हमें मैक्सिमम स्टील टॉप के ऊपर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना वहां पर जरूरत है स्टील की उतना ही प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमें इसके अकॉर्डिंग, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पर्टिकुलर हाइट पर हमें टेंशन या फिर स्टील एरिया वहां पर जो भी टेंशन लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, और उस टेंशन के अकॉर्डिंगली आपको वहां पर स्टील प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ यूनिवर्सल फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है, कॉमन फॉर्मूले बना लेते हैं कि भाई टी टेंशन जो होता है वो, अब यहाँ पर टेंशन किसकी वजह से लगेगा, वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से, जो टैंक के अंदर होगा उस पानी की वजह से टेंशन लगेगा। वो कितना लगेगा, सो गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू डी बाई टू, ठीक है। तो ये होगा गामा डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10, एच जो है, अब ये हाइट जो हम वेरी करने वाले हैं 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर ये हम वेरी करने वाले, तो हम हाइट को यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं, 12 मीटर डायमीटर है और 2 / 2, ठीक है। तो यहां पर T की वैल्यू आएगी 60 × H। हम बात करते हैं AST की कि भाई इस 60 × H के अकॉर्डिंगली AST कितनी लगेगी, तो AST इज नथिंग बट अगर टेंशन के अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते तो T/130 होता है, मतलब T/σST होता है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंगली इंटू यहां पर 10^3 करना होगा, क्योंकि हम ये mm के अंदर लेते हैं, ठीक है, न्यूटन पर mm के लिए। तो यहां पर जो AST होगा वो कितना होगा, 461.54 × H। ये सारी चीजें H के रिस्पेक्टिवली आई है, ठीक है, H के अकॉर्डिंगली आई है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये चीज आपको एक सिंप्लीफिकेशन देती है कि बस आप H की वैल्यू वेरी कीजिए, आपको उसके अकॉर्डिंगली वहां पर टेंशन और एयर ऑफ स्टील आपको पता चलेगा। चलिए हम यहां पर क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म बना लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपका काम भी काफी एफिशिएंटली और एक्यूरेटली हो। तो टेबल के अंदर देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आपको टोटल थ्रू आउट जो हाइट है वहां पर 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही आपको कैलकुलेट करना है, आप अपने हिसाब से अपने के अकॉर्डिंगली आप 1 मीटर पे करो या फिर चाहे 3 मीटर पे करो या 5 मीटर पे करो तो आप कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1, 2, 3, 4 मीटर पे ही करना है, ओके। चलिए तो आगे क्या करना है आपको यहां पर कि जो भी हाइट है डेप्थ, जिस हाइट पे जिस डेप्थ पे आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो पहले नोट आप लिख लीजिए। हम यहां पर करना चाहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 मीटर पर। इसके अकॉर्डिंगली जो वहां पर एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज 461.54 × H। यहां पर H की वैल्यू सिर्फ वेरी होगी, अगर 1 मीटर है तो यहां पे H1 हो जाएगा, अगर 2 मीटर है तो यहां पे H2 हो जाएगा, अगर 3 मीटर है तो यहां पे H3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। चलिए अब यहां पर एरिया ऑन ईच फेस, अब हर एक फेस के ऊपर एरिया कितना होगा। अब एक फेस मतलब क्या है,
क्योंकि हम ये जो स्टील प्रोवाइड करते हैं ये हम क्या करते हैं, सिर्फ अंदर वाले फेस पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए वॉल है आपकी, क्योंकि उसको फोर्स कहाँ से लगेगा, अंदर की तरफ से लगेगा, पानी का प्रेशर अंदर की तरफ से लगेगा, ओके। तो आपको रेनफोर्समेंट अंदर की तरफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये अगर हम बात करें कि भाई ये सेंटर से मैंने इस वॉल को कट किया, तो ये अंदर का फेस इसे हम कहते हैं लिक्विड फेस, और बाहर का फेस जिसे हम कहते हैं रिमोट फेस, ठीक है। तो हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो लिक्विड फेस के ऊपर करेगी, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक फेस पर कितना रेनफोर्स की जरूरत है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए सिंपली आप, तो आपको ये ईच फेस के ऊपर जो भी रेनफोर्समेंट होगा वो पता चल जाएगा। चलिए अब क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर बार प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर आपका 230 है तो भाई 8 mm डाया बार प्रोवाइड कर दीजिए, 461 है तो 10 प्रोवाइड कीजिए, 700 के आसपास है तो 10 कर दीजिए, या फिर आप 12 भी कर सकते हो, ठीक है। 900 है या फिर 1000 है तो आपके हिसाब से आप जो भी आपको बार प्रोवाइड करने हैं आप कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये क्या किया आपने कि भाई सिलिंड्रिकल वॉल के अंदर पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर आपने स्टील प्रोवाइड कर दिया है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर उसकी डिज़ाइन खत्म नहीं होती, इसकी भी आपको थिकनेस पता नहीं है, इस वॉल की भी आपको थिकनेस पता नहीं है, ना ही आपने सवाल के अंदर दे रखा है और ना ही आपने पहले इसे कंसिडर कर रखा है। तो चलिए किस तरह से कैलकुलेट करनी होती है, इसके लिए भी आपको IS 456-2000 के अंदर जाना है पेज नंबर 80 के ऊपर, वहां से आपको फॉर्मूला पिकअप करना है, सिग्मा सीटी इक्वल टू टी अपॉन एजी प्लस M-1 into AST, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियसली दे रखी है। चलिए अब इसके अंदर एजी आपको क्या करना होगा, एजी यहां पर जो है वो बी इंटू डी होता है, ठीक है। डी मतलब डेप्थ का हो या थिकनेस का हो वो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर वॉल की थिकनेस को हम स्मॉल टी मान लेते हैं, और बी तो हमारा पर मीटर होता है मतलब 1000 होगा। चलिए यहाँ पर टी क्या होगा, अब ये जो टी है और एएसटी है ये आपको दोनों मैक्सिमम लेना है, ये आपको क्या करना है दोनों मैक्सिमम। अब मैक्सिमम टी कितना होगा, तो मैक्सिमम टी कहाँ होगा, पहले तो मैक्सिमम टी होगा बॉटम पर, मतलब टॉप से लेके बॉटम की जो 5 मीटर की हाइट होगी वो उस हाइट पर जो आपका टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब 60 × H करोगे, मतलब 60 × 5 करोगे तो आपको मैक्सिमम टेंशन मिलेगा 300 kN। अब अगर हम बात करें AST की, भाई कैपिटल AST, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई मैक्सिमम AST कितना होगा, तो वो आपको यहां पर जो 5 मीटर पे मैक्सिमम AST लगेगा, तो 5 मीटर पे जो भी AST वो आपको कंसिडर करना होगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया यहाँ पर कि AST मैक्सिमम ले लिया, टेंशन मैक्सिमम ले लिया, और AG के अंदर जो है वो T को अननोन रख दिया, सिग्मा सिटी की वैल्यू तो 1.5 होती है आपको पता है। चलिए तो इस रिलेशन को फिर से आप एक बार सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपको एक T का रिलेशन मिलेगा कि भाई T की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टी की वैल्यू अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि भाई बॉटम पे 250 अप्लाई कर देते हैं और टॉप के ऊपर 200 mm प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको आप भी 250 ले, आप 200 भी ले सकते हो और टॉप के ऊपर 150 भी ले सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि इन दोनों का एवरेज जो है वो 177 से ज़्यादा होना चाहिए। आई बात समझ में, इसकी थिकनेस मतलब क्या है इसका कि इसका एवरेज या फिर थिकनेस जो है वॉल की वो 177 से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई 250 mm हमने बेस पर प्रोवाइड किया है और 200 mm यहाँ पर टॉप पर प्रोवाइड किया है, तो एवरेज थिकनेस कितनी आ रही है इसकी, 225 mm। मतलब क्या है आपको कि भाई बॉटम और टॉप में लेके जो एवरेज होगा आपका टोटल थिकनेस जो ओवरऑल होगी आपकी 250 mm की थिकनेस आपको प्रोवाइड कर देनी है उस वॉल की। सिंपल आई बात समझ में, तो ये क्या किया हमने कि थिकनेस वॉल की यहाँ पर कंसिडर कर ली है, फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो अब इस वॉल के अंदर आपने वर्टिकल स्टील मतलब जो मेन स्टील प्रोवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड करना होता है, तो वो कितना होगा, वो सिंपली आप 0.24% प्रोवाइड कर सकते हो, और इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, ये हमने काफी सारे वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रखा है कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी जो कंपोनेंट बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिजाइन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट मी रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।